रंगरा में गणतंत्र दिवस के अवसर पर शान से फहरा तिरंगा। रंगरा चौक प्रखंड में गणतंत्र दिवस के अवसर पर विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। रंगरा थाने में थानाध्यक्ष महताब खां, प्रखंड मुख्यालय में प्रखंड प्रमुख मोती यादव, अंचल कार्यालय में अंचलाधिकारी आशीष कुमार ने झंडोत्तोलन किया है। मंदरौनी स्थित अर्जुन बीएड कॉलेज में निदेशक राजीव रंजन ने झंडोत्तोलन किया है। इस अवसर पर उन्होंने छात्र छात्राओं को गणतंत्र दिवस से संदर्भित कई तरह की जानकारी भी दी है। कटरिया रेलवे स्टेशन के पास युवक की गोली मारकर हत्या। मृतक के भाई के बयान पर 5 लोगों को किया गया नामजद। रंगरा थाना क्षेत्र के कटरिया रेलवे स्टेशन के पास अपराधियों ने सोहरा निवासी गगन कुमार सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी है। अपराधियों ने गगन के चेहरे पर 4 गोली मारी है, जिससे उसकी मौत मौके पर ही हो जाने की बात कही जा रही है। घटना की बाबत नवगछिया राजकीय रेल थाने में मृतक के भाई पवन यादव ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें 5 लोगों को नामजद किया गया है। नामजद लोगों में मुरली गांव के 2 भाइयों बबलू सिंह, डब्लू सिंह के अलावा रंगरा के चंद्रखरा निवासी नागे मंडल, प्रमोद मंडल और लालू मंडल को नामजद किया गया है। मृतक के भाई पवन सिंह ने बताया कि सोमवार को उसका भाई टेंट में मजदूरी करने सधवा गांव गया था। उसका भाई जब रात में वापस नहीं आया तो उसने अपने भाई के मोबाइल पर फोन किया तो रेल पुलिस ने फोन उठाया और घटना की जानकारी दी। पवन ने कहा कि आरोपियों से उसका जमीन संबंधी विवाद है। पिछले दिनों भी आरोपी जमीन खाली करने अन्यथा जान मारने की धमकी देते रहे हैं। इधर राजकीय रेल थाना के थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार ने बताया कि मामले में अनुसंधान प्रारंभ कर दिया गया है, जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी की जाएगी। मसूदनपुर वैसी गांव से शादी की नीयत से अपहृत नाबालिग को पुलिस ने किया बरामद, आरोपी युवक गिरफ्तार। रंगरा के मसूदनपुर वैसी गांव से शादी की नीयत से अपहृत नाबालिग लड़की को रंगरा पुलिस ने घटना के 1 दिन बाद ही बरामद कर लिया है, तो दूसरी तरफ पुलिस ने गांव के ही आरोपी युवक पिंटू कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया है। रंगरा थाने के थानाध्यक्ष महताब खां ने जानकारी देते हुए बताया कि नाबालिग लड़की के पिता ने 25 जनवरी को घटना की बाबत रंगरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसके बाद 24 घंटे के अंदर ही लड़की को बरामद कर लिया गया है, तो दूसरी तरफ पुलिस ने न्यायालय में नाबालिग लड़की का बयान कलमबद्ध करवाया है। रंगरा में चल रहे क्रिकेट टूर्नामेंट के दूसरे लीग मैच में नवगछिया की टीम ने खरीक की टीम को किया 218 रनों से पराजित। रंगरा में चल रहे बीसीसी क्रिकेट टूर्नामेंट के दूसरे लीग मैच में नवगछिया की टीम ने खरीक की टीम को 218 रनों से पराजित कर दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए नवगछिया की टीम ने 7 विकेटों के नुकसान पर 283 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। दूसरी पारी में खरीक की टीम ने 283 रनों का पीछा करते हुए 65 रन पर ही सिमट गई। मैन ऑफ द मैच विजेता टीम के अमित को घोषित किया गया है। अमित ने 45 गेंदों पर 95 रन जोड़े थे, जबकि 3 विकेट भी झटक लिए थे। अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सेना के अवकाश प्राप्त जवान अशोक सिंह ने पुरस्कृत किया है। जहांगीरपुर वैसी में चल रहे कटाव का राजद नेताओं ने लिया जायजा। राजद नेताओं ने रंगरा प्रखंड अंतर्गत वैसी जहांगीरपुर गांव में चल रहे भीषण कटाव का जायजा लिया है। कटाव का जायजा लेने के बाद राजद नेता शैलेश यादव ने कहा कि वे जल्द ही इस समस्या पर संबंधित पदाधिकारी से मिलेंगे और कटाव निरोधी कार्य शुरू करवाने की मांग करेंगे। इस अवसर पर राजद के जिलाध्यक्ष अलख निरंजन पासवान, अशोक यादव, मोहम्मद मोहिउद्दीन समेत कई लोग मौजूद थे।